भारत में हाल में संपन्न हुई G20 समिट में चीन को चुनौती देने वाले एक मिशन पर सहमति बनी थी। इसमें समुद्र और लैंड रूट के रास्ते से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना था, लेकिन अब इजराइल में हालात तनावपूर्ण होने से इस मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि भारत आने वाले 10 सालों में इस आर्थिक गलियारों को पूरा करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि G20 समिट से इतर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से नए आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई थी, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड के विकल्प के रूप में देखा गया। आइए जानते हैं इस गलियारे का भारत के लिए क्या महत्व है। इस आर्थिक गलियारे का उद्देश्य रेलवे मार्ग के साथ ही प्रतिभागियों का इरादा बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने के साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइप बिछाने का है। जानते हैं कि ये आर्थिक गलियारा आखिर है क्या। ये गलियारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेगा, व्यापार पहुंच बढ़ाएगा, व्यापार सुविधा में सुधार करेगा। यह गलियारा पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी प्रभावों पर बढ़ते जोर का समर्थन करेगा। इस पहल में दो अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया अथवा मध्य पूर्व से जोड़ता है, और उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ता है। आसान तरीके से समझें तो ये गलियारा भारत को मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व और आखिर में यूरोप से जोड़ेगा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सभी हिस्सा लेने वाले देशों के नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया। ये भी माना जा रहा है कि ये कदम वैश्विक व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में इस आर्थिक गलियारे को मोदी गलियारा कहा गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। वहीं इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बाद इसको लेकर विशेषज्ञों की भी अपनी राय है। FIEO के महानिदेशक और CEO अजय सहारा ने इकोनॉमिक टाइम्स से हुई बातचीत में बताया, अगर ये इसराइल और मध्य पूर्व के बीच संघर्ष में परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से IMECC परियोजना पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन अभी हम उस पहलू पर गौर नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह हमास और इसराइल के बीच एक तरह का संघर्ष होगा, लेकिन अगर मध्य पूर्व के देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो यह एक युद्ध में बदल जाएगा। यह हालात निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर देगा। फिलहाल जहां तक व्यापार का सवाल है, इसराइल के साथ भारत का व्यापार काफी बेहतर स्थिति में रहा है। इसराइल भारत व्यापार करीब 10.7 अरब डॉलर का है, जिसमें निर्यात का हिस्सा 8.2 बिलियन डॉलर है, जहां 300 से ज्यादा इजरायली कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। इसराइल से भारत FDI 28.5 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय प्रोजेक्ट्स में भी इजरायली निवेश 27 करोड़ डॉलर को पार कर गया है। भारत और इसराइल के बीच अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 के आयात पर अगर नजर डालें तो भारत ने इसराइल से लगभग 1400 तरह के सामान का आयात किया है, जिसमें मोती, रत्न, आभूषण, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और क्रूड जैसी चीजें शामिल हैं। ये व्यापार लगभग 2.32 अरब डॉलर का है। वहीं दूसरी ओर भारत ने इसराइल को लगभग 3500 वस्तुओं का निर्यात किया है। अगर निर्यात के लिहाज से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध देखें तो आइए वर्ष 2022-23 के एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। ये व्यापार लगभग 8.45 अरब डॉलर का रहा। भारत इसराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान की सप्लाई करता है। दोनों देशों में 2022 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है। भारत और इसराइल के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों को लेकर विश्लेषकों की भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। विशेषज्ञों की माने तो इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग से अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जिससे निवेशक बड़ा जोखिम लेने से बच रहे हैं। BSE का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 483.24 अंक यानी 0.73% गिरकर 65,512.39 अंक पर जाकर बंद हुआ है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के सूचकांक पर नजर डालें तो निफ्टी भी 141.15 अंक यानी 0.72% की गिरावट के साथ 19,512.35 अंक पर बंद हुआ है। सेंसेक्स की कंपनियों में से सिर्फ 3 के शेयर ही बढ़त के साथ बंद हुए। इसी तरह निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसराइल हमास संघर्ष से रत्न आभूषण कारोबार भी प्रभावित हो सकता है, ये कहना है निर्यातकों का।
इसको लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत और इसराइल के बीच रत्न एवं आभूषण का कुल कारोबार 2022-2023 में 2.04 अरब डॉलर का रहा था, जबकि 2021-22 में यह 2.8 अरब डॉलर का रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ही दुनिया पर थोपा जा चुका है, वहीं इसराइल फिलीपींस युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। साफ है कि युद्ध किसी भी देश को सदियों पीछे धकेल देते हैं। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि युद्ध का असर सिर्फ युद्ध में शामिल देशों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका असर दुनिया के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आर्थिक गलियारा है, जिसमें कई देशों की भागीदारी है। आपको बता दें कि भारत ने हाल में ही G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता ये रही थी कि G20 के सभी देशों के बीच इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है, लेकिन इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर युद्ध यूं ही चलता रहा तो इस आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिहाज से काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।